सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही इस बेल वाले आइकॉन को दबा लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देख लें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ोन पर ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अमेज़ोन ऐप ओपन करना है। अमेज़ोन ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों, आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के तौर पर फिलिप्स ट्रिमर खरीद कर बता रहा हूँ। उसी प्रकार से दोस्तों, आप भी अपना प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए। सर्च कर लेने के बाद आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे चलना है। दोस्तों, आप अपने बजट के अनुसार ही सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप दोस्तों गारंटी भी देख सकते हैं। गारंटी या वारंटी जो भी है, यहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अब आपको दोस्तों बताता हूँ कि इसे कैसे खरीदें। आपको यहाँ पर बाई बटन लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर दोस्तों आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ नीचे और क्या ऑप्शन है। यहाँ पर अपने एरिया के पिन कोड डाल लेना है। जैसे दोस्तों, मैं अपने एरिया के पिन कोड डाल लेता हूँ। दोस्तों, पिन कोड 6 डिजिट की के ही होते हैं। अभी यहाँ पर आप टाउन सिटी डाल लेना है और यहाँ पर अपना स्टेट डाल लेना है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको नीचे दोस्तों फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, कंपनी एंड अपार्टमेंट का नाम या फिर दोस्तों आप हाउस नंबर डाल लीजिए। अगर आपके पास हाउस नंबर नहीं है तो आप अपने पिताजी का भी नाम डाल सकते हैं या फिर अपने एरिया को किस नाम से जाना चाहते हैं उस एरिया का भी नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप एरिया, कॉलोनी, स्ट्रीट, सेक्टर या विलेज, यहाँ पर अपना विलेज सेलेक्ट करके विलेज डाल देना है। जैसे दोस्तों, मैं अपने विलेज का नाम डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको लैंडमार्क डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम पूछ रहा है, आप किस टाइम मंगवाना चाहते हैं, तो मैं दोस्तों इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको एक बार फिर से अपना नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस देख लेना है। फिर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको भुगतान करने के लिए 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें पहला है भीम UPI। अगर आपके पास भीम UPI है तो आप भीम UPI के द्वारा कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट, क्रेडिट, ATM कार्ड है तो आप इसके माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है तो आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको ATM कार्ड या फिर दोस्तों इसे डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप ATM कार्ड में जो नाम है वह यहाँ पर डाल लेना है, जिसे दोस्तों मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपको कार्ड नंबर डाल लेना है, जो आपके कार्ड नंबर है वह यहाँ पर डाल लीजिए। कार्ड नंबर डाल लेने के बाद आपको एक्सपायर डेट डाल लेना है और यहाँ पर आपको
एटीएम कार्ड के पीछे दोस्तों आपको 3 नंबर के कोड दिखाई देंगे, वो डाल लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका नाम और अकाउंट नंबर और दोस्तों आप एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड देकर नीचे ऐड योर कार्ड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दोबारा से सीवीवी कोड डाल लेना है, फिर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं।